पौराणिक लोक कथाओं के इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से अब तक विभिन्न देशों से जुड़े लोक कथाएं एवं उसमें समाहित कुछ ऐसे काल्पनिक दैत्यों की बात कर चुके हैं जो सच में मानव के काल्पनिक शक्तियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के ही समकालीन राष्ट्र चीन के लोक कथाओं में मौजूद कुछ ऐसे दैत्यों की, जिसका जिक्र आज चीन तक ही न सीमित होकर समग्र विश्व भर में विस्तृत हो चुका है। क्योंकि बात चाहे ड्रैगन की हो, फिनिक्स की हो, टाओ ताई की हो या फिर नौ पूछो वाला चमत्कारी फॉक्स की हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनसे रूबरू ना हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं चीन के लोक कथाओं के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। डीजियांग। अगर आपने मार्वल की मूवी शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स देखी है तो शायद आप बिना सिर के इस मॉन्स्टर को नहीं भूल पाए होंगे, जिसे मूवी में मॉरिस कहा जा रहा था। चीन के पौराणिक कथाओं के अनुसार डीजियांग बिना चेहरे वाला एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके चार पंख तथा छह पैर पाए जाते हैं तथा दिखने में ये काफी हद तक किसी पीले रंग के थैले की तरह होता है, पर इसका संपर्क सीधे स्वर्ग से है और यही स्वर्ग के जाने का रास्ता बतला सकता है, भले ही इनकी आंखें या चेहरा ना हो। फैंग वैंग और फीनिक्स। शांग-ची मूवी में ही मॉरिस जब शांग-ची को मिथिकल रियाम ले जाता है तब वहां पहुंचते ही उन्हें आसमान में उड़ रहे आग से लिपटे कुछ परिंदे उड़ते दिखलाई पड़ते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स, जिसे चीन की भाषा में फैंग वैंग कहा जाता है। फैंग वैंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसी वजह से ये दिखने में भी किसी आग के गोले की समान प्रतीत होता है। चीनी लोक कथाओं के अनुसार इसे किंग ऑफ ऑल बर्ड्स कहा जाता है। साथ ही इसके हर एक अंग किसी न किसी बात का प्रतीक होती है, जैसे कि इसका सिर बुद्धिमता का प्रतीक, पंख धर्म तथा न्याय का प्रतीक, इसका पीठ विनम्रता का तथा सीना परोपकार और इसका पेट विश्वास का प्रतीक है। और यदि कोई इसे नाचते देख ले तो इसका तात्पर्य है कि स्वर्ग में सभी खुश हैं। कई बार तो इसे ड्रैगन से भी रिलेट किया जाता है। जियो वेई हूं और द नाइन टेल्ड फॉक्स। इस जीव के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका शारीरिक स्वरूप कैसा हो सकता है। यहाँ तक कि आपने ऐसा ही एक पोकेमोन को भी देखा होगा। पर चीनी लोक कथाओं के अनुसार चिंगचोंग के पर्वतों में एक जानवर बसता है जिसका पूरा शरीर किसी फॉक्स की तरह होता है, पर इसके नौ पूंछ होते हैं। और तो और ये ऐसे दिव्य जानवर होते हैं जो अपने आकार के साथ साथ अपना स्वरूप भी बदल सकते हैं, इसलिए ये एक खूबसूरत महिला बनकर किसी को भी बड़े आराम से मोह सकते हैं। और इसी स्वरूप को बदलकर इस लोमड़ी ने कईयों की जान ली है। और चीनी लोक कथाओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि यदि कोई फॉक्स की आत्मा हजार सालों तक जी ले तब वो एक दिव्य नौ पूछो वाला लोमड़ी में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो अच्छे काम तो भूल कर भी नहीं करता। कीलीन। अब इस काल्पनिक जानवर के सामने नाइन टेल्ड फॉक्स भी कुछ नहीं, क्योंकि रंग बिरंगे इस जानवर को चीन के लोक कथाओं का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। हालांकि इस चाइनीज वर्जन का यूनिकॉर्न का शारीरिक स्वरूप किसी घोड़े की तरह तो होता है, पर इसके एक सिंग नहीं बल्कि दो सिंग पाए जाते हैं। इसकी स्केल किसी ड्रैगन की तरह होता है और इसके शरीर का रंग सिर्फ मोर की तरह ही नहीं बल्कि कुछ कीलीन सुनहरे रंग के भी होते हैं। और चीन के लोग तो इसे देखने का दावा भी किए हैं और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े भोले जीव होते हैं, पर शिकारियों की वजह से अब ये विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए अब इसे बस चित्रों या पेंटिंग्स में ही देखा जा सकता है। और चीन के कई लोगों का मानना है कि कीलीन तभी प्रकट होते हैं जब कभी चीन में कोई महान संत या महान व्यक्ति का जन्म होता है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि चीन में अब महान कोई नहीं बचा, वरना कीलीन जरूर दिखता। स्वॉनी। यह एक शेर की तरह दिखने वाला जीव है। वैसे एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन में एक भी शेर नहीं पाए जाते, पर चीन के लोक कथाओं में स्थित मिथिकल रियाम में एक ऐसा शेर पाया जाता है जिसे प्रकृति का रक्षक माना गया है। और ये अपने साहस व बहादुरी से न सिर्फ प्राकृतिक अभी तो मिथिकल रियाम के लोगों व उसकी संपत्ति पर किसी की बुरी नजर पड़ने नहीं देता, इसलिए कई चाइनीज घरों में स्वॉनी या इन शेरों की मूर्तियां रखी जाती है ताकि उनकी संपत्ति सही सलामत रह सके।
वैसे उनके देश में शेरों की कहानियां भारत से गए बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा बताई गई होगी, क्योंकि वास्तविकता में चीन में शेर कभी पाया ही नहीं जाता था। लॉन्ग और द चाइनीज ड्रैगन। अगर सिर्फ एक ऐसे मिथिकल जीव का नाम ले जो पूरे चाइनीज कल्चर को आपको बताती हो तो वो है ड्रैगन। हालांकि इस ड्रैगन को कभी भी वेस्टर्न कल्चर के उस आग फूंक कर दुनिया मिटाने वाले ड्रैगन से कंपेयर ना करें, क्योंकि पश्चिमी देशों ने ड्रैगन को किसी उड़ता हुआ तथा आग निगलता हुआ दुष्ट डायनासोर का शक्ल दिया गया है, पर चीन के लोक कथाओं के ड्रैगन का रिश्ता आग से ना होकर पानी से है, जैसा आपने सैंगची में भी देखा होगा। यहाँ तक कि चीन में ड्रैगन को पानी वाले सभी जीवों का शासक माना जाता है। और तो और ड्रैगन एक ऐसा दिव्य जीव है जो बारिश को नियंत्रित कर सकता है। यो तो ड्रैगन्स के कई वैरायटीज पाए जाते हैं, पर चीन में ज्यादातर कल्पित ड्रैगन अच्छे होते हैं, और सांपों के जैसे शरीर वाले इस ड्रैगन का सिर ऊंट की तरह, स्केल्स मछली की तरह और आंख बकरी की तरह होता है। खैर, ड्रैगन के वैरायटीज पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पर उसे अभी छोड़ बात करें आओ की, तो ये एक आध्यात्मिक कछुआ है जो साउथ चाइना सी में तब से रहता आ रहा है जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। एक बार की बात है जब वाटर गॉड और फायर गॉड के बीच एक महासंग्राम छिड़ गया था, और इस संग्राम में वाटर गॉड की हार हो जाती है। तब शर्मिंदा होकर जल देवता अपना सिर माउंट वेल्जो में मार देता है, जिस वजह से वो पर्वत टूटकर बिखर जाती है। पर वो कोई मामूली पर्वत नहीं बल्कि आसमान को थामे रखने वाला 8 स्तंभों में से एक था। इसलिए एक स्तंभ के नष्ट होने के कारण आकाश से पानी का बौछार धरती पर आने लगता है। ऐसे में आकाश को थामे रखने का आदेश नुआह मदर गॉड आओ को देती है, और ये दिव्य कछुआ 8वां स्तंभ बनकर आकाश को थामे रखता है ताकि धरती बची रहे। डीरेन। डायरेन या डीरेन को चीन के लोक कथाओं का जलपरी या जलपरा कहा जाता है, जिसका लोअर बॉडी किसी धारीदार मछली की पूंछ की तरह होता है, वहीं अपर बॉडी किसी इंसान की तरह, जिसके दो वेब्ड हाथ एवं गर्दन पर गिल्स हो। डीरेन को लेकर ऐसी अवधारणा है कि यह मिथिकल लैंड के सागर में पाया जाता है, तथा जब ये रोता है तो वो आंसू मोती बन जाते हैं, तथा इसकी शक्तियां भी असीमित बताई गई है। रियांगसी। ज़ोंबी की कल्पना आज भले ही पश्चिमी देशों ने की हो, पर हजारों सालों पहले ही चीन ऐसे मृत जीव की कल्पना कर चुके थे जिसे रियांगसी कहा गया है। पर रियांगसी सिर्फ ज़ोंबी की तरह न होकर इसमें वैम्पायर के भी गुण शामिल है। पर ये जीव शुरुआत में तो वैम्पायर होते हैं, पर वक्त के साथ इनका शरीर सड़ने लगता है, और तब ये मरने के बजाय किसी ज़ोंबी का रूप ले लेते हैं, और उस वक्त इससे डरावना कोई नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।